दोस्तों यहाँ पे बार बार मुझे जो है राउंड अबाउट से बाहर निकलना पड़ रहा है क्योंकि पुलिस वाले वहां पे बैठे हुए हैं। अगर मैं बार बार घूमता रहूंगा राउंड अबाउट पे तो नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका एक और नए ड्राइविंग ट्यूटोरियल में और स्वागत है आपका मेरे चैनल पर भी। आज इस ड्राइविंग ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे कि ऐसे टॉपिक के बारे में जो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाता है एक नए ड्राइवर के लिए, वो है गोल चक्कर जो होता है, राउंड अबाउट जो होता है। उस पर आप ड्राइविंग करते हैं गाड़ी को जो है घुमा करके, आपको 3 या 4 एग्जिट दिए होते हैं वहाँ पे, तो उस चीज़ पर कैसे ड्राइव करना होता है आपको, आज इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ। पूरी वीडियो को एंड तक देखिएगा दोस्तों, नए ड्राइवर्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है और कुछ एक ऐसी चीज़ भी बताऊंगा जो 99% लोगों को पता नहीं होती है। जिन 1% लोगों को पता होती है वो भी उस चीज़ को फॉलो नहीं कर पाते क्योंकि ज़्यादातर लोगों को इस चीज़ के बारे में पता नहीं होता। दोस्तों हम आ गए राउंड अबाउट पे, तो अब शुरू करते हैं इस ट्यूटोरियल को। सबसे पहले आपको इंडिकेटर्स का बहुत यूज़ करना होता है यहाँ पे। इंडिकेटर्स लेफ्ट राइट, आपको किस तरफ जाना होता है। देखिए 3 या 4 एग्जिट बने होते हैं एक राउंड अबाउट पे। अब आप ये डिसाइड पहले ही कर चुके होते हैं कि मेरे को इस एग्जिट से जो है निकलना है यहाँ से, तो जिस एग्जिट पे भी आपको निकलना होता है उस एग्जिट पे आपको जो है लेफ्ट की तरफ अपनी गाड़ी को, लेफ्ट वाला जो इंडिकेटर है वो आपको देना है और आपको लेफ्ट की तरफ गाड़ी को ले जाना है। ORVMs को भी चेक करना है साथ के साथ और राइट अपने लेफ्ट में देखना है कि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा आ तो नहीं रहा है जिससे कि परेशानी हो, तो वो चीज़ आपको यहाँ पे करनी होती है। दोस्तों अब हम एंटर करने वाले हैं यहाँ पे एक और राउंड अबाउट को। अब देखिए मुझे अगर यहाँ पे 1st, 2nd, 3rd 3 एग्जिट 4 एग्जिट इस राउंड अबाउट पे दिए हुए हैं। अगर मुझे फर्स्ट एग्जिट से ही निकलना है तो मैं राउंड अबाउट के अंदर जाऊंगा ही नहीं, सीधा सीधा इंडिकेट कर दूंगा लेफ्ट की तरफ और निकल जाऊंगा इस तरफ, एरो से आपको बता दूंगा मैं। अगर मुझे सीधा जाना है और दूसरे जो एग्जिट है वहां से मेरे को निकलना है तो भी मैं हल्का सा राउंड अबाउट की तरफ लूंगा और इस तरफ जो है एरो से आप देख पा रहे होंगे इसकी तरफ इंडिकेट करते हुए लेफ्ट की तरफ निकल जाऊंगा। लेकिन अगर मुझे थर्ड एग्जिट की तरफ जाना तो मुझे पहले जो है थोड़ा राउंड अबाउट में अंदर जाना होगा, फिर उसके बाद मैं एग्जिट करूंगा, इंडिकेट करूंगा और वहां से निकल जाऊंगा। अब यहां पे आ रहा है हमारा 4th and last एग्जिट, इस पे भी हमें वही चीज करनी है। तो यहां पे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं वो मैं आपको थोड़ा अभी बताता हूं। देखिए जब आप राउंड अबाउट पे एंटर हो रहे हैं तो आपको 3 या 4 जो होते हैं, 4 तो होते ही हैं नॉर्मली, 4 एग्जिट वहां पे दिए होते हैं। अब आपको उनमें से एक एग्जिट लेना होता है। अगर आप फर्स्ट या सेकंड एग्जिट ले रहे हैं वहां पे तो राउंड अबाउट की जो राइट साइड है उसकी तरफ मत जाइए, गोल चक्कर की तरफ मत जाइए, आउटर साइड में आप रख लीजिए क्योंकि आपको पहला या दूसरा ही एग्जिट लेना है, आपको पूरा एक गोल चक्कर नहीं घूमना है। बहुत से लोग क्या करते हैं कि पहला ही एग्जिट लेना है लेकिन घुस जाते हैं अंदर की तरफ। अब अंदर की तरफ घुस गए, उनको निकलना है पहले एग्जिट से, अब कैसे निकलेंगे क्योंकि दूसरी जो लेन चल रही है उस पर ऑलरेडी काफ़ी ट्रैफिक है। तो आप इसलिए अंदर वाली लेन में मत जाइए, बाहर वाली लेन पर ही रखिए और अपना एग्जिट जल्दी से ले लीजिए। लेकिन अगर आपको लेना है थर्ड एग्जिट या लास्ट एग्जिट तो आप क्या करेंगे कि गोल चक्कर के आप अंदर जा सकते हैं अंदर वाली लेन में। अगर आप बाहर जाएंगे तो जो एंटर करने वाले लोग हैं उनके लिए आप परेशानी बनोगे और उनसे जो है वहाँ पे थोड़ा बहुत रिस्क रहेगा आपको, मतलब वहाँ पे परेशानी होगी आपको ड्राइव करने में। तो फर्स्ट और सेकंड एग्जिट पे अगर निकलना है तो लेफ्ट साइड में अपनी गाड़ी को रखिए, अगर थर्ड या फोर्थ एग्जिट पर निकलना है तो राइट साइड की तरफ आप जो अंदर की तरफ राउंड अबाउट पे जा सकते हैं। तो ये तो बात होगी कि आपको किस तरह से कौन से एग्जिट पे किस साइड में रखना होता है गाड़ी को और किस तरह से हर बार आपको इंडिकेट करना होता है। इंडिकेट करना दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है एक राउंड अबाउट पे, उसी से पीछे वाले लोगों को, पीछे वाले व्हीकल्स को पता चल पाता है कि आप कौन से एग्जिट पे एग्जिट करने जा रहे हो। बहुत से लोग मैंने देखा, आपको यहां भी दिख रहे होंगे, कोई भी एग्जिट कर रहा है तो यहां पे इंडिकेट बहुत कम लोग कर रहे हैं, तो ये चीज गलत है। उसी वजह से यहां पे होता है कि आपने देखा भी होगा अपने लोकल सिटीज में,
टाउन्स में जो रोड्स होते हैं, राउंड अबाउट्स होते हैं, उन पर बहुत ज्यादा लोग जो है हल्के फुल्के जो टचेस होते हैं, स्क्रैचेस होते हैं, वो गाड़ियों पे आते रहते हैं। उसी वजह से आते हैं कि कोई इंडिकेट नहीं करता है, कोई किसी भी तरह का जो है इशारा नहीं करता किसी को कि मैं यहां से एग्जिट करने वाला हूं या यहां से एंटर करने वाला हूं। उस वजह से वो हादसे होते रहते हैं। दोस्तों यहाँ पे बार बार मुझे जो है राउंड अबाउट से बाहर निकलना पड़ रहा है क्योंकि पुलिस वाले वहाँ पे बैठे हुए हैं। अगर मैं बार बार घूमता रहूँगा राउंड अबाउट पे तो थोड़ा वो मुझसे हो सकता है रोक ले, सवाल जवाब करने लगे, वो मैं चाहता नहीं हूँ। तो अब हम फिर से एंटर करेंगे राउंड अबाउट पे यहाँ से यू टर्न लेके। टर्न के लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ दोस्तों, उसे आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। देखिए आप यू टर्न ले रहे हो, राउंड अबाउट पे एंटर कर रहे हो या एग्जिट कर रहे हो, आपको हमेशा इंडिकेट करना होता है। हमेशा इंडिकेट करके चलिए, आपको भी उससे जो सहूलियत रहती है और जो पीछे जो वाले व्हीकल होते हैं उनको भी सहूलियत रहती है। अब बात करने वाले हैं दूसरी चीज के बारे में। देखिए आपको जो है प्रायोरिटाइज यहाँ पे करना होता है, जो राइट साइड से जो व्हीकल आ रहा है पहले उसे एग्जिट करने दीजिए, फिर आप जो है एंटर करिए राउंड अबाउट पे। अब आपके जो लेफ्ट पे व्हीकल होगा वो आपको प्रायोरिटी देगा और आपको पहले निकालेगा। तो ये चीज चलती रहती है एक राउंड अबाउट पे। जो सही तरीका है एंटर और एग्जिट करने का वो यही होता है कि राइट साइड वाले को आप पहले प्रायोरिटी देंगे, उसे एग्जिट करने देंगे, उसे निकलने देंगे पहले, और जो लेफ्ट से है उसे रुकना पड़ेगा। लेकिन इस चीज को हमारे देश में बहुत कम लोग हैं जो जानते होंगे, और उससे भी कम, उनमें से भी बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो फॉलो करते होंगे। लेकिन दोस्तों सही तरीका यही है। अब मैं यहाँ से एग्जिट कर रहा हूँ, ORVM को मैंने चेक किया है, इंडिकेट किया है और पीछे से कोई नहीं आ रहा, तो मैं यहाँ पे एग्जिट कर सकता हूँ दोस्तों। तो सही तरीका यही होता है कि आप राइट हैंड साइड वाला जो है व्हीकल उसको आप प्रायोरिटी दीजिए, उसे पहले निकलने दीजिए, फिर आप एंटर करिए राउंड अबाउट पे। आपको जैसा अच्छा लगे आप ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि देखिए कोई भी फॉलो नहीं करता को, मैं इस चीज को रेकमेंड करूं या ना करूं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सभी जो है ऑर्थोडॉक्स तरीके से जो है आजकल राउंड अबाउट पे एंटर और एग्जिट करते हैं। और दोस्तों अगर बात आती है गियर शिफ्टिंग की, तो वहां पे गियर्स आपको फर्स्ट या सेकेंड ही रखने होते हैं। ऑब्वियसली बात है कि राउंड अबाउट पे ज्यादा स्पीडिंग नहीं होती है, कोई भी एक्सेलरेट नहीं करके चलता, धीरे धीरे, सिर्फ वो है कि उन्हें वहां से निकल के अपना एग्जिट लेना होता है, उसके बाद आप गियर जो है हायर गियर में गाड़ी को ले सकते हैं। लेकिन जब भी आप राउंड अबाउट पे होंगे तो लोअर गियर में रखिए गाड़ी को। और मैं ये रिकमेंड नहीं करता कि आप हाफ क्लच दबाइए या फिर क्लच पे जो है पैर रखिए अपना, क्योंकि वो जो है क्लच के लिए हार्मफुल है। लेकिन एक चीज जरूर कहूंगा, आप सतर्क हमेशा रहिए। आपको कभी भी ब्रेकिंग करनी पड़ती है तो ब्रेकिंग का मतलब यही नहीं होता कि आप हमेशा ब्रेक ही दबाते हैं। आप अगर ब्रेक ही दबाएंगे तो गाड़ी स्टॉल करेगी, बंद हो जाएगी वहां पे। अगर आप ब्रेक और क्लच का इफेक्टिवली यूज करेंगे, सिंक के साथ यूज करेंगे, तो वहां पे एक फायदा मिलेगा आपको, आपकी गाड़ी बंद भी नहीं होगी और रुक भी जाएगी। उस चीज के लिए भी मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है। ये वीडियो आप देखने के बाद उस वीडियो को भी देख सकते हैं, आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा उसका। तो दोस्तों ये थी राउंड अबाउट के बारे में सारी जानकारी जो मेरे पास थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके जरूर बताइए। किसी और टॉपिक पर आपको ट्यूटोरियल चाहिए तो आप जो है उसके लिए कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।